हेलो गाइस, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो हाइड्रोलॉजी में हमने दो प्रोसेस डिस्कस कर लिए थे, पहला प्रिसिपिटेशन एंड दूसरा इवेपोरेशन। इसके बाद अपना थर्ड टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो हेडिंग डालिए आप ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ध्यान से समझना क्या चीज होती है, और भी प्रोसेस है इसमें, जैसे कि इवेपो ट्रांसपिरेशन भी आएगा आगे, कंजप्टिव यूज के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए अपन एक छोटा सा पेड़ बनाते हैं। ये मेरे पास पेड़ है, ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ये पेड़ ये रहा, क्लियर। अब पेड़ होगा तो इसकी कुछ ना कुछ जड़े भी होंगी, रूट्स भी होंगी। तो ये ब्लैक कलर से मैंने इसकी क्या बना दी, रूट्स बना दी। ये लो जी, ये रूट्स बना दी मैंने इसकी, क्लियर। अब देखें यहाँ पे जो रूट्स के आसपास की सॉइल है उसमें कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, और मेनली कौन सा होता है जो प्लेट काम में लेता है, प्लांट काम में लेता है, दैट इज कैपिलरी वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास मिट्टी है इसके बीच बीच में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है इनको जो प्लांट की रूट्स हैं वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्व कर लेंगी। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे इस मिट्टी के बीच में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको क्या करेंगी, प्लांट की जो रूट है वो एब्जॉर्व कर लेंगी, उनको अपने अंदर खींच लेंगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्बिशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इम्बिशन, ठीक है, याद रखना नाम। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है लेकिन मे भी पूछ सकता है, क्लियर। अब क्या हुआ, ये जो मेरे पास पानी था ये रूट से होते हुए धीरे 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 प्लांट में पहुंच गया, ठीक है। प्लांट ने अपने काम दाम में इसको लिया, और बाद में ये पानी क्या हुआ, प्लांट की लीव से होते हुए, उसकी पत्तियों से होते हुए कहाँ चला गया, एटमोसफेयर में चला गया। ये लो जी, क्लियर, ये एक प्रोसेस पूरा हो गया। अब बात आती है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर प्लांट की लीव से होता हुआ एटमॉस्फेयर में चला जाता है। किसकी फॉर्म में, जनरली वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मेरे पास पानी आया था पेड़ में वो क्या होता है, देखो होता क्या है, प्लांट के पास पानी आया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा, समझते हो ना, पेड़ खाना बनाता है, जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगा उसमें कुछ वाटर यूज आएगा नेग्लिजिबल टाइप का, एंड देन ये जो वाटर है ये क्या आएगा, पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर जमा हो जाएगा छोटी सी लेयर में, पतली सी लेयर में। और ये जो प्लांट की लीव्स के ऊपर पानी जमा है ये क्या होगा, धीरे धीरे एटमोसफेयर में चला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये जनरली डे टाइम पे ही होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो अपना प्रोसेस है वो दिन के टाइम पे ही हो सकता है, जब सूरज की किरण प्लांट के ऊपर गिरेंगी, क्लियर है। तो मुझे पता लग गया, मेरे समझ में आ गया कि भाई साहब ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है। दोबारा बता दूं कि जो प्लांट के आसपास की सॉइल का जो वाटर होता है वो प्लांट में होते हुए, उसकी पत्तियों से होते हुए एटमोसफेयर में चला जाता है, इसी प्रोसेस को अपन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अपनी समझ के अनुसार इसकी डेफिनेशन बना लेना, समझ लेना, लिख लेना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर। अब एक और प्रोसेस आता है मेरे पास जिसे बोलते हैं अपन इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो सेकेंड प्रोसेस देखें आप, दैट इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपिरेशन। हाँ तो भाई साहब देखें, इवेपो ट्रांसपिरेशन में आपको एक वर्ड तो साफ साफ दिख रहा है, ट्रांसपिरेशन है, दूसरा वर्ड क्या है, इवेपो, मतलब इवेपोरेशन को आधा काट के यहाँ पे काम में ले लिया। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्यों होता है ये देखते हैं, ठीक है ना। अभी हुआ क्या, अपन ने ट्रांसपिरेशन तो समझ लिया, मतलब जो सॉइल के पास प्रेजेंट वाटर था उसमें से कुछ पार्ट जो है वो इसकी रूट से होता हुआ, इसकी पत्तियों से होता हुआ एटमोसफेयर में चला गया, ये एक कहानी हो गई। और दूसरा क्या प्रोसेस होता है कि भैया सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उसका इवेपोरेशन भी तो होगा ना, समझ रहे हो ना बात को। सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है, सॉइल मेरी हीट करी, गर्म करी, इसने बाहर से एनर्जी ली, तो वाटर जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके एटमोसफेयर में चला गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, पेड़ के आसपास की जो सॉइल है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो दो फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, एक तो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में और दूसरा इवेपोरेशन की फॉर्म में। ओनली कौन सी सॉइल को काउंट कर रहे हैं, जो इस पेड़ के पास में एडजेसेंट सॉइल इसकी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रांसपिरेशन में कौन सा वाटर जा रहा है, भैया यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस लेवल पे ट्रांसपिरेशन वाला वाटर भी होगा और इवेपोरेशन वाला वाटर भी होगा, समझ रहे हो ना, ठीक। तो इस ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन वाले वाटर को अलग अलग करना हमारे लिए जनरली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है ना, गुटबंदी होती है इनकी, आपस में मिल जाते हैं ये, तो इन दोनों को सेपरेट आउट करना हमारे लिए जनरली पॉसिबल नहीं होता, होता है तो बहुत मतलब गंदी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन दोनों प्रोसेस को एक साथ काम में ले लिया जाता है। ये प्रोसेस क्या है मेरा, जो पत्तियों से जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन,
ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से इन दोनों प्रोसेस को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है और इन दोनों प्रोसेस को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है मेरा, अगर मैं लिखना चाहूं तो ये इवेपोरेशन प्लस में ट्रांसपिरेशन का एक फॉर्म है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा हार्ड चीज थी नहीं है, ठीक है ना, ये बात हो गई समझ में आ भी गई होगी आपको, आशा करते हैं। अब देखें क्वेश्चन और क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन या पहले टाइप के क्वेश्चन तो सीधे बनेंगे डेफिनेशन पे, ठीक है, कि इवेपोट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं या ये पर्टिकुलर प्रोसेस ही से क्या बोला जाएगा, ये बात हो गई, पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं। सबसे पहली बात कि इधर लिख देता हूं, पहला प्रोसेस मेरा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है कि पानी जो था मेरे पास पेड़ से होता हुआ एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है, और इस पे मेजर जो इफेक्ट है वो किसका है, फोटोसिंथेसिस का है, मतलब जो अपना काम धाम कर रहा है पेड़ उसका है। और आपको पता है कि पेड़ जो दिन में खाना जो बनाता है वो सारे के सारे प्रोसेस दिन में होते हैं, तो मेनली ये देखा गया है कि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है वो ओनली डे टाइम में ही होता है। समझ में आई बात, ये कब होगा, ओनली डे टाइम में ही होगा, दिन के टाइम में होगा, शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्लियर। अब ये जब डे टाइम में होता है तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यू नहीं है ये, तो इसे बोला जाता है एक टाइप से डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न जो नीचे दिए गए हैं चार ऑप्शन में से डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कौन सा है, आपके पास ऑप्शन ट्रांसपिरेशन हो तो टिक मार दो, ठीक है, ये तो हो गई ट्रांसपिरेशन की बात। दूसरा होता है मेरे पास इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन अपन ने पढ़ लिया और आपको पता भी है कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो दिन में भी कंटिन्यू रहता है और रात में भी कंटिन्यू रहता है, हालांकि इसकी रेट का चेंज आ जाता है, लेकिन इवेपोरेशन जो प्रोसेस है दिन में भी चलता है और रात में भी चलता है, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन की बात करूं तो ये डे टाइम में भी होगा और नाइट टाइम में भी होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस हो गया मेरे पास, एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, तो ये है मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्लियर। पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये बाकायदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईएन में, ठीक है ना, और आप पुराने क्वेश्चन उठाओगे आपको मिलेंगे भी ऐसे क्वेश्चन। और थर्ड प्रोसेस है मेरा इवेपो ट्रांसपिरेशन। अब मुझे कोई भला आदमी बता सकता है क्या कि इवेपो ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, सोचिए, आपको सोचोगे तो पता लगेगा कि भैया इवेपो ट्रांसपिरेशन में तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों है, तो ट्रांसपिरेशन तो नाइट टाइम में नहीं हो रहा लेकिन इवेपोरेशन तो नाइट टाइम में हो रहा है ना, तो अगर इन दोनों को काउंट करूंगा तो इवेपो ट्रांसपिरेशन भी नाइट टाइम में हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक पार्ट तो इसका राइट टाइम में नहीं हो रहा लेकिन एक पार्ट तो हो रहा है, एक पार्ट हो रहा है तो टोटल प्रोसेस भी हो रहा है, समझ में आई बात। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन मेरा दिन में भी होता है और नाइट में भी होता है, ठीक है। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कैसा हो गया मेरा, एक टाइप का कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ठीक है। आप पुराने क्वेश्चन देखोगे ट्रांसपिरेशन के नीचे, सॉरी जो अपनी वीडियो है उसके नीचे टेलीग्राम की लिंक है, वहां जाओगे पुराने क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो आप देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन चार पांच मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये अपना पार्ट इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद रखना इसको, और याद रखने वाली तो कुछ बात ही नहीं है, समझने वाली बात है जर्नल जी, तो बनाएं इसको अपनी लैंग्वेज में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बना लिया, चलो आगे चलें। आगे चलने में देखो, हालांकि अपन इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं इरिगेशन में, इरिगेशन जब आएगा, इरिगेशन सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो अपन इवेपो ट्रांसपिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन इतना नहीं पढ़ते हैं उसको, क्योंकि ये इरिगेशन में कवर हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। एक जो प्रोसेस है या एक वर्ड है आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड कंजप्टिव यूज, कंजप्टिव यूज, ठीक है। अब होता क्या है कि अपन क्या पढ़ते हैं कि भैया इवेपो ट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज जो है वो एक ही चीज है, सेम टू सेम चीज है। एक्चुअलिटी में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो कंजप्टिव यूज और इवेपो ट्रांसपिरेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन इनको एक मान लिया जाता है। देखो क्यों मान लेते हैं, एक तो हो गया मेरे पास कंजप्टिव यूज और दूसरा मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
इवेपोट्रांसपीरेशन और कंजप्टिव यूज में क्या फर्क होता है देख लो, समझ लो एक बार, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इवेपोट्रांसपीरेशन तो आपको पता है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन का एक कंबाइंड इफेक्ट हो गया। कंजप्टिव यूज क्या होता है, कंजप्टिव यूज वाटर का वो यूज होता है जो एक पर्टिकुलर क्रॉप या प्लांट अपनी लाइफ टाइम में यूज करता है, मतलब काम लेता है उस पानी को, ठीक है। तो कंजप्टिव यूज जो होता है ये इवेपो ट्रांसपीरेशन प्लस में वाटर रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो अपने भी बॉडी जो है, अपने इंसान की बात करें तो अपनी बॉडी में भी क्या होता है, इंजन होता है अंदर जो सारा की सारा काम करता है, उसे बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। पता नहीं ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में इसको अजीब अजीब नाम देते हैं, लेकिन अपन इंडिया वाली इंग्लिश की बात करें तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्लियर। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरीके से शरीर के अंदर की भट्टी है, इंजन है जो काम करता रहता है। अब इसको भी पानी चाहिए, ऐसे ही सेम टू सेम किस में होता है, प्लांट्स में होता है, पेड़ों में होता है। पेड़ों में भी क्या होता है, जब खाना बनता है तो एक प्रोसेस चलता है जिसे बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो पानी काम में आया वो भी प्लांट ने ही यूज किया है ना, और कहीं तो नहीं गया। अब अपन बात करें तो इवेपो ट्रांसपीरेशन तो ओनली काउंट कर रहा था इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन को, लेकिन कंजप्टिव यूज किस किस को काम में ले रहा है, किस किस को काउंट कर रहा है, ये इवेपो ट्रांसपीरेशन के साथ साथ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर यूज हुआ था उसको भी काउंट कर रहा है। ध्यान में रखना दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो वाटर यूज होता है वो इवेपो ट्रांसपीरेशन के मुकाबले बहुत कम होता है। अगर इवेपो ट्रांसपीरेशन मेरा 100 है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो वाटर रिक्वायर्ड होगा वो ओनली 1 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को काउंट या कंबाइंडली मैं इवेपो ट्रांसपीरेशन ही बोल सकता हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना आप। इवेपो ट्रांसपीरेशन के मुकाबले मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो वाटर काम में आया वो बहुत कम था, तो मैं इवेपो ट्रांसपीरेशन के मुकाबले इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया। ये लो जी, अगर मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ से मेरे पास कंजप्टिव यूज, मतलब कंजप्टिव यूज को सी यू से डिनोट करते हैं अपन, तो सी यू या कंजप्टिव यूज किसके बराबर हो गया, इवेपो ट्रांसपीरेशन के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये बराबर माने जाते हैं, एक्चुअल में बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना इस चीज को, काम की चीज है, पूछी जा सकती है कभी भी, अभी तक नहीं पूछी गई है कि कंजप्टिव यूज और इवेपो ट्रांसपीरेशन को एक जैसा या सेम माना जाता है, एक्चुअल में नहीं होते, ठीक है ना। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए अपने को मतलब है कंजप्टिव यूज तो मैंने आपको बताया है, कंजप्टिव यूज को अपन पढ़ेंगे इरिगेशन में, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इवेपो ट्रांसपीरेशन के 2 टाइप होते हैं, उनको अपन देख लेते हैं, पूछे जाते हैं कई बार, उनको अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए इवेपो ट्रांसपीरेशन के 2 टाइप होते हैं मेरे पास, ठीक है। पहला होता है मेरे पास जिसे बोलते हैं एईटी, और दूसरा होता है मेरे पास जिसे बोलते हैं पीईटी। ये होता है मेरे पास पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन, और इसे बोलते हैं एक्चुअल इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। देखो समझते हैं दोनों में क्या फर्क होता है। एक्चुअल इवेपो ट्रांसपीरेशन तो क्या होता है, अगर मेरे पास कोई प्लांट लगा हुआ है, कोई पेड़ लगा हुआ है, और इसके नीचे वाली सॉइल में, देखो छोड़ो सॉरी, पहले अपन पीटी मतलब पोटेंशियल को समझते हैं। पोटेंशियल को समझने के लिए अपन ने वही एग्जांपल लिया, मेरे पास एक कोई पेड़ है, ठीक है ना। अब इस पेड़ के नीचे सॉइल जो है इसका ही वाटर क्या करेगा, ये यूज करेगा। अगर मैं इसके नीचे वाली सॉइल में सफिशियंट क्वांटिटी का वाटर प्रेजेंट करके रखूं, मतलब नीचे वाली जो सॉइल है उसमें भरपूर पानी है, इसको जितना चाहिए उतना पानी है, ठीक है ना, क्लियर। तो जितना पानी ये यूज करेगा प्लांट जो है मेरा, अगर इसके नीचे वाली सॉइल में सफिशियंट वाटर प्रेजेंट हो, तो जितना वाटर या जितना इवेपो ट्रांसपीरेशन ये यूज कर पाता है उसे बोलते हैं अपन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। समझ में आई, कब, जब नीचे वाली सॉइल में या इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, प्लांट के लिए सफिशियंट मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, देखो अपन खेती बाड़ी में तो ऐसा प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अगर बाहर जंगल में कहीं पेड़ लगे हुए हैं तो उनके लिए सफिशियंट मॉइस्चर मिल पाना जरूरी नहीं है कंप्लीट हो सके,
ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ दूसरे केस की, ठीक है, दूसरा केस क्या है कि प्लांट जो है उसके नेचर जो सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें सफिशियंट वाटर नहीं है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो मेरा प्लांट है उसका कितना इवेपोट्रांसपिरेशन होगा उसे बोला जाएगा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब एक्चुअल कंडीशन में जो इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसे AET बोलेंगे, और पोटेंशियल कंडीशन मतलब कि अगर मैं सफिशियंट वाटर इसके लिए प्रोवाइड करवा दूँ तो जितना इवेपोट्रांसपिरेशन होगा उसे बोलेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें अपन ने एरिडिटी इंडेक्स में भी देखी थी। एरिडिटी इंडेक्स जो होता है जिसके भी आप पे ड्रॉप को अपन डिफाइन करते हैं प्रिसिपिटेशन में, वो वीडियो होगी आप देख लेना, ठीक है ना, वहां भी ये चीज अपन ने देखी थी। क्लियर। अब आता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में एक डिवाइस होता है अपना जो ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है, ठीक है, उसका नाम होता है फाइटोमीटर। याद रखना, याद रखना, अभी तक कभी नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है। ऐसा डिवाइस जो केवल ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है उसे बोलते हैं फाइटोमीटर। और दूसरी अपन बात करते हैं, या दूसरा अपने पास जो प्रोसेस है दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, इसको कौन से डिवाइस मेजर करते हैं भैया? ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, लेसीमीटर, ठीक है। लेसीमीटर की हेल्प से अपन इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं, और फाइटोमीटर की हेल्प से ओनली ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं। और अगर ओनली इवेपोरेशन की बात आए तो उसके लिए प्रोसेस मैंने एक वीडियो बना के बता रखे हैं कि इवेपोरेशन को कैसे मेजर किया जाता है। तो ध्यान रख लेना, लेसीमीटर का क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, JEE NEE में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं लेसीमीटर हल्का सा क्या होता है। हालांकि मैंने बता दिया आपको कि इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसको कि अपन कंजप्टिव यूज भी बोलते हैं, इसका मेजरमेंट कई तरीके से होता है, कई मेथड होते हैं, उसको सबको अपन इरिगेशन में पढ़ लेंगे, यहां पे इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन लेसीमीटर आ गया है तो मैं एक बार लेसीमीटर का बता देता हूं आपको हल्का सा क्या होता है। लेसीमीटर एक टाइप का सर्कुलर टैंक होता है मेरे पास, ठीक है, जिसकी हाइट मेरे पास होती है नियर अबाउट 90 सेंटीमीटर, और इसकी जो डायमीटर होता है वो होता है मेरा 60-90 सेंटीमीटर, नियर अबाउट डेटा, क्लियर है ना। और नीचे वाला जो इसका बॉटम होता है वो मेरे पास परवियस होता है। परवियस का मतलब समझ रहे हो कि नीचे वाले बॉटम में से पानी पार कर सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, परफोरेट या परवियस बॉटम, ये हो गया मेरे पास परवियस बॉटम। होता क्या है, जनरली जाली लगा दी जाती है, बहुत फाइन वाली जाली होती है ना, उसको लगा देते हैं नीचे इसका तला हटा के, क्लियर है ना। तो इसे बोलते हैं अपन लेसीमीटर, क्लियर। अब लेसीमीटर में करते क्या है, इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा ग्राउंड लेवल था तो इसको इस टाइप से गाड़ दिया जाएगा, आसपास में मेरे पास फसल हो रही होगी, और इसमें भी क्या कर दें, इसमें भी क्रॉप को उगा दिया जाता है, ठीक है। अब करते क्या है, मेजर्ड क्वालिटी का वाटर यहाँ से अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने D1 वॉल्यूम या D1 डेप्थ वाटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और नीचे से मेरे पास कितना पानी निकला उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ। तो मैंने ऐसा माना कि नीचे से मेरे पास D2 वाटर निकल गया, मतलब D1 वाटर तो मैंने इसमें डाला था लेसीमीटर में, D2 मेरे पास निकल गया, तो मेरा वाटर जो है कितना यूज किया क्रॉप ने या प्लांट ने, तो वो हो गया मेरे पास D1-D2, ठीक है ना। और इसी को क्या बोल देंगे अपन, इवेपोट्रांसपिरेशन बोल देंगे। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो कि वाटर अपनी लाइफ में यूज करता है, ठीक है ना। तो D1 मैंने यहाँ से डाला, D2 बाहर निकल गया, तो बचा कुचा तो क्रॉप ने या प्लांट ने यूज कर लिया ना, तो D1-D2 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया, क्लियर। इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करने के और भी मेथड होते हैं, जैसे फील्ड मेथड होता है, एक अपने पास इक्वेशन होती है ब्लेनिकेडल इक्वेशन होती है, ठीक है, उसे अपन पढ़ेंगे इरिगेशन में या नहीं पढ़ेंगे उसको। तो अपना ट्रांसपिरेशन या इवेपोट्रांसपिरेशन का जो डिटेल थी, जो मेथड था, जो प्रोसेस था, वो लगभग इतना ही है हाइड्रोलॉजी में, इतना ही है, बाकी आएगा अपने पास इरिगेशन में, वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन को आप ढंग से समझ लेना क्योंकि कन्फ्यूजिंग सा है, क्लियर। तो होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ट्रांसपिरेशन के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हालांकि कम पूछे गए हैं, छोटा सा टॉपिक है इस वजह से, तो जितने भी क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक पे PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आंसर इनके या सॉल्यूशन मैं अभी प्रोवाइड नहीं करवा सकता क्योंकि लॉकडाउन की समस्या चल रही है, चीज़ें सफिशियंट नहीं मिल रही हैं अभी, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।